एचडीएफसी बैंक के 30 शेयर हैं इनके पास 1460 के भाव पर। अच्छे समय में इन्होंने एंट्री की, अब भाव 1700 के बेहद करीब है। क्या करना चाहिए निमेश जी इनको, एचडीएफसी बैंक क्या बने रहें? अभी काफ़ी अच्छा फायदा हो रहा है, और आगे फायदा होगा या निकल जाएं? एचडीएफसी बैंक के अंदर बात करें तो काफी अच्छे लेवल पे एंट्री ली है, और हमारा मानना है कि एचडीएफसी बैंक मर्जर के बाद जो हायर बेस इफेक्ट था वो खत्म हो चुका है, और ग्रेजुअली अगर बैंक का फंडामेंटल्स देखें तो बैंक ने काफी एग्रेसिव लेंडिंग भी की है, इन पर्टिकुलरली होलसेल बैंकिंग। पहले कंपनी जो है वो रिटेल बैंकिंग पे ही फोकस करती थी, अब होलसेल बैंकिंग के ऊपर भी फोकस कर रही है। हमारा मानना है कि अगर लॉन्ग टर्म अवधि का नजरिया है तो आपको डेफिनेटली ये स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। जिस तरह से हम लोग प्राइवेट सेक्टर बैंक, अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक की वजह से बैंक निफ्टी ने पूरा पिछले कोरोना के बाद की अगर मार्केट का व्यू देखें तो बैंक निफ्टी ने काफी अंडर परफॉर्मेंस किया है ड्यू टू प्राइवेट सेक्टर बैंक और पर्टिकुलरली एचडीएफसी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। मेरा मानना है कि लॉन्ग टर्म व्यू से आप ये स्टॉक के अंदर बने रहिएगा। ऊपर मुझे लग रहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर ऊपर में 2000 से 2050 तक के लक्ष्यांक देखने को मिल सकते हैं, तो फिलहाल शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म व्यू मेरा बुलिश है, मैं आपको होल्ड करने की राय देता हूँ।